आज हम बात करेंगे एशियन पेंट के बारे में। टेक्निकली चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि एशियन पेंट कैसा लग रहा है और बाइंग अपॉर्चुनिटी आज दिख रही है कि नहीं दिख रही है एशियन पेंट में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह, स्वागत करता हूँ आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम देखें तो एशियन पेंट का एक बहुत ही बेहतरीन रैली है। अगर हम एक बार समझने की कोशिश करें तो एशियन पेंट का जो रेट है 99 में, 3 मई 99 का हम लोग कैंडल देख रहे हैं, तो उसमें 2300 रुपए तक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये 22 रुपए, 23 रुपए, 25 रुपए, ये होते होते 2008 की मंदी में इसका भाव था 100 रुपए। उसके बाद अगर देखें तो 78 तक भी गया था। उसके बाद अगर हम लोग 2014 में देखें तो 2014 में ये 2014 में इसका भाव था 400 रुपए। उसके बाद आज लाइफ टाइम हाई मारने के बाद, मतलब आप देख सकते हैं कि 2873.45 का हाई मारने के बाद आज जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है 2400 रुपए पे, मतलब अपने हाई से तकरीबन 450 या 473 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं एशियन पेंट में? जरूर, टेक्निकल चार्ट पे अच्छा लग रहा है एशियन पेंट। हम लोग मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग मंथली चार्ट देख रहे हैं। अगर एक रिट्रेसमेंट की बात करें तो प्रॉफिट कितनी बुकिंग आई है, अगर लोग यहाँ से प्रॉपरली देखें जो रैली आई थी एशियन पेंट में, वहां से अगर देखें तो ज्यादा नहीं 0.0382% ही एशियन पेंट ने रिट्रेसमेंट लिया है, जो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट कहते हैं। अगर 0.61% रिट्रेसमेंट हम लोग कहते हैं तो ये कह सकते थे कि हाँ ज्यादा रिट्रेसमेंट है, मगर एक बहुत ही हेल्दी रिट्रेसमेंट लिया है। अगर हम लोग ये, मतलब यहाँ से जब साइडवेज था और वहां से जो रैली आई है, हम लोग वहां से रिट्रेसमेंट देखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जिन्होंने इस जोन में खरीदा है, ये वाले जोन में जिन्होंने बाइंग की है, वो तकरीबन इस भाव पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं, ऐसा दिखता है हमको। तो अगर इस भाव पे अगर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं तो भी मतलब बहुत कम लोग एशियन पेंट को अपने पोर्टफोलियो से, हम लोग मोस्ट ऑफ, हम लोग FIIs और DIIs की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ FIIs और DIIs अपने पोर्टफोलियो से एशियन पेंट को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ये देखने हमें मिलता है टेक्निकल चार्ट पे। जिन्होंने इस जोन में बाई किया था वो एक हाई मारने के बाद एक मतलब प्रॉफिट बुकिंग करते हुए निकल रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो आने वाले टाइम में टारगेट क्या हो सकता है एशियन पेंट का, अगर वो टेक्निकली हम लोग समझने की कोशिश करें तो शॉर्ट टर्म का टारगेट और लॉन्ग टर्म का टारगेट, हम लोग दो टारगेट की बात करेंगे, एक बार हम लोग समझने की कोशिश करें। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के टारगेट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में 3260 रुपए लगता है, मतलब 2 से 3 महीने में। और अगर ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम की बात करें तो ये 4500 तक हमको लगता है कि शायद ये 4500 भी एशियन पेंट आ जाए आने वाले 1 साल या 1.5 साल में। अभी का जो टाइम फ्रेम है उस पे हमको लगता है कि बहुत ही कम टाइम में, 2 से 3 महीने में 3260 रुपए एक बार अचीव करेगा एशियन पेंट, जिस तरीके से हायर हाई हायर लोज बनाता हुआ एशियन पेंट जा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये लो है, ये हायर लो है, हायर लो है, हायर लो है, हायर लो है, वापस एक हायर लो, बहुत ही शार्प रैली के बाद एक हायर लो एस्टेब्लिश किया है एशियन पेंट ने। ऐसा लगता है आने वाले टाइम में 3260 रुपए के लिए हम लोग एशियन पेंट में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर हम लोग वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पे भी देख रहे हैं तो एक प्रॉपरली शार्प फॉल है। हम लोग ने इसके पहले भी बात की थी कि शार्प फॉल क्यों है एशियन पेंट में, जैसे कि ऑयल के प्राइजेस, क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल लगता है पेंट्स इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल होता है, और उसका कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से प्राइस में थोड़ा सा प्रेशर है। और दूसरी बात, अल्ट्राटेक सीमेंट, उन्होंने भी मतलब एक 5000 करोड़ वो इन्वेस्टमेंट करेंगे पेंट इंडस्ट्री में आने वाले 2 से 3 साल में, तो एक वो भी कॉम्पिटिशन आएगा, उसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस डिस्काउंट है अभी फिलहाल। मगर अगर हम लोग देखें टेक्निकल चार्ट पे तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है और आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस देगा, ऐसा एशियन पेंट के चार्ट्स को देख के लगता है। जिस तरीके से प्रॉपरली देखिए नीचे आया है, एक लो बनाया है, एक हायर लो एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है एशियन पेंट, अभी तो फिलहाल साइडवेज है। अगर हम लोग बोलिंगर बैंड की हेल्प से देखें तो किस तरीके का वॉल्यूम इसमें दिख रहा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए साइडवेज है प्रॉपरली डेली मार्केट पे। अगर हम लोग उसी तरीके से मंथली अगर देखें तो मंथली बहुत ही जो बैंड स्प्रेड हुआ है ये हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर वीकली देखें तो वीकली भी जो बैंड है स्प्रेड है
और आने वाले टाइम में अपने बड़े टाइम फ्रेम को ही सपोर्ट करेगा। अगर हम लोग आरएसआई की हेल्प से देखेंगे किस तरीके का बिहेवियर है, तो आरएसआई 65 के ऊपर हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रॉपरली 65 के ऊपर है मंथली में। अगर लोग वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पे भी 53 है, और डेली बेसिस पे देखें तो डेली तो 46 है। तो अगर बड़ा टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा है मंथली, तो ये जल्द से जल्द अर्ली, वीकली और डेली सब में अपने टाइम फ्रेम पे ये 60 के ऊपर जाएगा, और फिर बेहतरीन तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव करेगा ऐसा देख के लगता है। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक लो बना है, प्रॉपरली आवरली आर्ली कैंडल पे ये हायर हाई हायर लोज बनाता हुआ जा रहा है। एक लो बनाया, एक हायर लो बनाया, एक हायर लो बनाया, एक हायर हाई बनाया, और ये हायर लो बनाया। प्रॉपरली हायर हाई हायर लोज बनाता हुआ अभी आर्ली कैंडल पे जा रहा है। मगर जो बड़ा टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम की भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि वीकली और डेली दोनों अभी सपोर्ट नहीं कर रहे, मंथली ने सपोर्ट किया प्रॉपरली। तो मंथली कैंडल पे देख के लगता है कि आने वाले टाइम में एशियन पेंट काफी बेहतरीन तरीके से ऊपर जाएगा। हम लोग अगर टारगेट देखें, हम लोग ने मंथली कैंडल को स्टडी किया था, तो हमको टारगेट लगता है 32 3260 रुपये, 3260 रुपीज। अगर ये कहें कि ये आ सकता है कि नहीं, उसके पहले भी आया है जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखें, तो एक यहाँ तक की अगर हम लोग रैली की बात करें तो ये जो हुआ है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 1720 रुपए का टारगेट और थोड़े देर के बाद ये 2092 का टारगेट भी अचीवेबल था, अचीव हुआ था। उसी तरीके से अगर हम लोग अभी की रिसेंट रैली देखें कि यहाँ पे जो शार्प फॉल हुआ था वहां पे अगर हम लोग देखें, तो वहां पे भी टारगेट प्रॉपरली अचीव हुआ था। अगर यहाँ पे हम लोग देख चेक करने की कोशिश करें तो 2211 और फिर बाद में 2693, ये प्रॉपरली टारगेट अचीव हुआ था, जो भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से निकाला गया था। तो आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि ये भी जो टारगेट हम लोग बात कर रहे हैं वो अचीव होगा, और काफी बेहतर मतलब इस पोजीशन पे एशियन पेंट का चार्ट दिख रहा है। अगर वो कैंडल भी स्टडी करने की कोशिश करें तो जो एक शार्प रैली आई थी 1 दिसंबर की, 1 दिसंबर में 24.79% बढ़ा था एशियन पेंट का शेयर, 549 पॉइंट। तो उस कैंडल के लो को अभी तक किसी भी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, मतलब ये इतना जो शार्प बाइंग किया है उस बाइंग लेवल को अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया, मतलब बायर ने उसके नीचे ही नहीं आने दिया है अभी तक सेलर को। यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये दो कैंडल बनी हुई है प्रॉपरली, हम लोग ये कह सकते हैं कि एक इस कैंडल ने इस कैंडल के पूरे पूरे खाया है, मगर मतलब पूरा ऑब्जॉर्व किया है इस कैंडल को, बुलिश कैंडल को। मगर उसके बाद हम लोग देखें तो इस मंथ में 1 मार्च को एक प्रॉपरली गैप अप के साथ एक कैंडल ओपन हुई, और इस कैंडल को मतलब आप देख सकते हैं 1 फरवरी के कैंडल को प्रॉपरली उसने ऑब्जॉर्व करने की कोशिश की है। तो एक हायर लो स्टेब्लिश किया है यहाँ पे। इस हायर लो को देख के लगता है कि आने वाले 1 से 2 महीने में 3260 रुपए का टारगेट एक मतलब बहुत ही इजिली अचीवेबल होगा एशियन पेंट में। और जो हमने एक फंडामेंटल केस स्टडी बनाई थी एशियन पेंट की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से एशियन पेंट का जो लॉन्ग टर्म जो फंडामेंटल्स है वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो टेक्निकल चार्ट्स पे जो हम लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो टारगेट दे रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो ये जो टारगेट है ये मतलब जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, आप अपने स्टडी करने के बाद ही कुछ शेयर्स बाइंग करना है, सेलिंग करना, ये हमारे ऑब्जर्वेशन के लिए हमने आपको बताने की कोशिश की है। अगर हम आपको थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।